नमस्कार। देश की राजनीति में ये बात मशहूर है कि दिल्ली में जिसकी सत्ता होती है, राज्यों के राज्यपाल उसी दिल्ली की भाषा बोलते हैं। लेकिन मेघालय के मामले में ये बात कुछ अलग नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता में बैठी मोदी सरकार ने सत्यपाल मलिक को भले ही मेघालय का राज्यपाल बनाया हो, लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि अब यही सत्यपाल मलिक अपने सनसनीखेज बयानों से जहां लगातार बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी राज्यपाल के बयानों को हथियार बनाकर मोदी सरकार पर हमला बोलने का काम कर रही है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसानों के मुद्दे पर जहां मोदी सरकार से सिखों से पंगा ना लेने की चेतावनी दे दी थी, तो वहीं अब बीजेपी शासित गोवा राज्य में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर गोवा सरकार से लेकर मोदी सरकार तक को आड़े हाथों ले लिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन कभी गोवा के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने यहां की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं, उनके इन आरोपों ने जहां बीजेपी की खटिया खड़ी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस अब इन्हीं बयानों को हथियार बनाकर बीजेपी पर हमला बोल रही है। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है न खाता हूं न खाने दूंगा, और इसलिए भाइयों बहनों मुझे यहां विकास करना है, मुझे यहां शिक्षा की चिंता करनी है, मुझे यहां किसानों को पानी पहुंचाना है, मुझे यहां किसानों को उनकी फसल पर पूरी कीमत मिले इसका प्रबंध करना है, मुझे नौजवानों को रोजगार देना है, मुझे माताओं बहनों को सम्मान देना है, और मेरे प्रतिनिधि के नाते मेरी छोटी बहन को आपके पास छोड़ता हूं। दरअसल टीवी टुडे को दिए गए इंटरव्यू में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बीजेपी शासित गोवा सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया और कहा, गोवा में बीजेपी सरकार कोविड से ठीक तरह से नहीं निपट पाई और मैं अपने इस बयान पर कायम हूं। गोवा सरकार ने जो कुछ भी किया उसमें भ्रष्टाचार था। गोवा सरकार पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से मुझे हटा दिया गया। मैं लोहियावादी हूं, मैं चरण सिंह के साथ वक्त बिता चुका हूं, मैं भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आगे कहा, गोवा सरकार की घर घर राशन बांटने की योजना अव्यवहारिक थी। ये एक कंपनी के कहने पर किया गया था जिसने सरकार को पैसे दिए थे। मुझसे कांग्रेस समेत कई लोगों ने जांच करने को कहा था, मैंने मामले की जांच की और प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने तो इन्हीं लोगों से पूछ लिया जो इस मामले में इन्वॉल्व थे, तो वो तो कहेंगे नहीं कि वो भ्रष्टाचार कर रही है। सत्यपाल मलिक का बस इतना कहना था कि मैंने गोवा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जानकारी पीएम मोदी को दी थी। इस पर उनका इंटरव्यू ले रहे वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने तुरंत सवाल दाग दिया, आप कह रही हैं प्रधानमंत्री तो शुरुआत से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। जब आपने उन्हें ये बात बताई तो उन्होंने मुख्यमंत्री को नहीं हटाया बल्कि आपको क्यों हटा दिया? अगर पीएम भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त होते तो आपको क्यों हटाते? इस पर सत्यपाल मलिक ने जवाब दिया, इस पर मैं आपको भेज दूंगा, कोंकणी में गीत बने थे वहां पर, प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ है। उन्होंने कुछ लोगों से वहां पर पूछा, गवर्नर बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, उन सभी लोगों ने कहा होगा ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो सभी लोग वही थे जो खुद उस भ्रष्टाचार में लिप्त थे। मुझे ईडी या आईटी से कोई डर नहीं है, हालात देश के ये हो गए हैं कि सच बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा। आप खुद देख लो, मीडिया की भी ऐसी हालत हो गई है। पहले देश में राजनीति करने का एक उद्देश्य हुआ करता था, लेकिन अब राजनीति करने लायक भी नहीं बची है। पहले इस प्रकार की राजनीति बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। गोवा के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने खनन का मुद्दा उठाते हुए कहा, एयरपोर्ट के पास एक इलाका है जहां खनन के लिए ट्रकों का इस्तेमाल होता है। मैंने कोविड को देखते हुए सरकार से इसे रोकने को कहा, लेकिन सरकार ने नहीं माना और बाद में ये कोविड का हॉटस्पॉट बन गया। बीजेपी की गोवा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सीधे पीएम मोदी पर हमला बोल रहे सत्यपाल मलिक के इन्हीं बयानों को हथियार बनाते हुए कांग्रेस ने लिखा, प्रधानमंत्री के न खाऊंगा न खाने दूंगा के नारे की पोल राज्यपाल महोदय ने खोल दी है। देश जानना चाहता है भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले प्रधानमंत्री गोवा सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर मौन क्यों है?
मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जिस तरह से गोवा की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए, क्योंकि 2022 में गोवा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत तमाम विरोधी पार्टियां सत्यपाल मलिक के इन गंभीर आरोपों को मुद्दा बना सकती हैं। वैसे आपको बता दें, राज्यपाल सत्यपाल मलिक इससे पहले भी केंद्र सरकार पर हमला बोलते रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि सरकार का मिजाज थोड़ा आसमान में हो जाता है, उन्हें इनकी तकलीफ दिखाई नहीं देती, अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। मैं इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से झगड़ा कर चुका हूँ। बहरहाल, जिस तरह से राज्यपाल सत्यपाल मलिक लगातार बीजेपी से पंगा ले रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।